हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम और आज हमने डिस्कस करना है वाइट बैलेंस क्रीम के बारे में। जी हाँ, ये वाइटनिंग क्रीम है, बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपने इसको यूज़ कैसे करना है, प्रिकॉशंस क्या हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइट बैलेंस क्रीम बेसिकली है क्या। सो वाइट बैलेंस क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है, ठीक है, जिसके अंदर जो आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट देती है, इवन स्किन टोन करने में हेल्प करती है, कहीं पर पिगमेंटेशन है या फाइन लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स नहीं, फाइन लाइंस हैं, तो ये उसको ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। वाइट बैलेंस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर होता है विटामिन B3, विटामिन B6, कोजिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं कि विटामिन सी क्या करता है, ये आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो आपके टॉक्सिक मादे बन रहे होते हैं बॉडी में और आपकी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, ये उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है B3 B6, जो कि डार्क स्पॉट्स को कवर करता है। कोजिक एसिड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इन्ग्रीडियंट जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है, और इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को पील ऑफ करता है, और पील ऑफ होने के बाद जो है आपकी स्किन जो है ज़्यादा ग्लोई और जो इवन स्किन टोन है वो आपके सामने आती है। सो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए आपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद ड्राई कर लेना है, और फिर आपने इसको फेस पर अप्लाई करना है और इसका अच्छे से फेस पर इसको एब्जॉर्ब कर लेना है। इसके अगर आप उसके बाद मेकअप अप्लाई करना चाह रहे हैं या सन ब्लॉक का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने इसको अप्लाई करने के 10 मिनट्स के बाद कोई भी चीज़ जो है वो अपने फेस पर अप्लाई करनी है। इसके अलावा इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही सेफ़ क्रीम है, इसके कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है एक्सेप्ट एलर्जिक रिएक्शन, वो किसी को भी किसी भी चीज़ से हो सकता है, तो वो इसकी भी एक साइड इफ़ेक्ट्स में कहा जाता है। इसके अलावा प्रिकॉशन की बात करें तो आपने इसको कभी भी किसी और क्रीम के साथ मिक्सअप करके यूज़ नहीं करना है, एज़ इट इज़ यूज़ करें इसको, और अगर कोई प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है तो वो भी इसको इजीली अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड वाइट बैलेंस क्रीम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।